जनपद में छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा जिले के राप्ती घाट, गोरखनाथ मंदिर का सरोवर, सूरजकुंड का सरोवर, मानसरोवर मंदिर सरोवर सहित अन्य जलाशयों में जहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है, नगर निगम के द्वारा सभी घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था करवाया जा रहा है। इसके अलावा पानी में भी बैरिकेडिंग की जाएगी, जिससे कि लोग गहरे पानी में ना जाएं। सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, छठ पर्व को लेकर जो विभिन्न घाट है हमारे, राप्ती नदी के किनारे राजघाट, रामघाट, इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर में जो घाट है, सरोवर है, मानसरोवर मंदिर पे सरोवर है, अन्य जो भी जलाशय हैं जहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है, उन सभी जगहों पे नगर निगम के माध्यम से लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और पानी के अंदर एक पर्याप्त गहराई तक लोग जाएं, उससे आगे न जाएं, उसको लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं सभी मुख्य घाटों पर, जहाँ पे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस की व्यवस्था भी लगाई जा रही है ताकि महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित त्यौहार मनाने का मौका मिले।